सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वुडवर्ड फीजर रूल फॉर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन लिंक कंपाउंड है, यानी कि हम किस तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में कि उनका लैम्डा मैक्स कहां पर आएगा, यानी कि वो कहां पर सिग्नल देने वाले हैं। इसको पिछली वीडियो में हमने बात की थी डाइइंस और पॉलीइंस के लिए कि उनमें किस तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आपके पास सवाल ये डायरेक्ट आता है, पहला जो सवाल आता है ना वो डायरेक्ट आता है कि लैम्डा मैक्स की वैल्यू बताओ इन फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपके पास कुछ कंपाउंड्स होंगे, जैसे आपको डाइइंस पॉलीइंस दे देगा या फिर कार्बोनिल कंपाउंड्स दे देगा, वो भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, उनमें पूछ लेगा कि लैम्डा मैक्स की वैल्यू बताओ इनमें। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में। तो स्टार्ट करते हैं, उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, उन कुछ रूल्स का यूज करके हम आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का सिग्नल कहां पर आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं, थ्योरेटिकली वी कैन इजीली प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स फॉर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कि थ्योरेटिकली हम आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं लैम्डा मैक्स की वैल्यू फॉर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। देखो, कभी भी ये जो क्वेश्चन आता है ना वुडवर्ड फीजर रूल, ये डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछता है कि वुडवर्ड फीजर रूल को बताओ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के लिए, ये बहुत कम रेयर चांस होते हैं ऐसा कोई क्वेश्चन बनाने के लिए। लेकिन वो डायरेक्ट ये पूछता है, कुछ कंपाउंड दे देगा उनमें पूछ लेगा आपको। ज्यादातर 90% केसेस में ऐसा ही होता है कि आपको डायरेक्ट दे देगा वो कि हम आपके पास ये कुछ कंपाउंड है, इनमें आपको बताना है लैम्डा मैक्स की वैल्यू। ठीक है, तो कार्बोनिल कंपाउंड में लैम्डा मैक्स की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं थ्योरेटिकली बाय द हेल्प ऑफ सम रूल्स, कुछ रूल्स हैं उनकी मदद से। ठीक है, विच इज गिवन है, जो कि हमारे पास कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं। रूल फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ पेरेंट सिस्टम इज अप्रोक्सीमेटली 250 नैनोमीटर, यानी कि जो पेरेंट वैल्यू होती है, देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड हम किसे कहते हैं, हमारे पास ये होता है। देखो यहाँ पर ये कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल ग्रुप है, CO ग्रुप है, इसकी जो पोजिशन है, इससे जो डायरेक्ट कार्बन होता है उसे हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उसके बगल वाला कार्बन कौन सा होता है, बीटा। और देखो यहाँ पर अनसैचुरेशन है, डबल है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड इसे हम बोलते हैं। और ये पेरेंट है, यानी कि हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, इस तरीके का सिस्टम होता है। अब हमारे पास ये सिस्टम रिंग में भी आ सकता है, रिंग के बाहर भी आ सकता है, लेकिन जनरली हम इसे कंसीडर करते हैं, ये जो है ये इसका पेरेंट है। ठीक है, अब इससे अलग अलग प्रोडक्ट, इससे अलग अलग चीजें बन सकते हैं, जैसे ये जो सिस्टम है, ये जो अल्फा बीटा अनसैचुरेशन है, ये यहां पर इस तरीके से भी हो सकती है, यानी कि रिंग में भी हो सकती है, रिंग के बाहर भी हो सकती है। तो जो पेरेंट वैल्यू है, पेरेंट सिस्टम की जो वैल्यू है, इसके लिए 250 नैनोमीटर कैलकुलेट की गई है, 250 नैनोमीटर होती है, विच कैन बी चेंज बाय सबस्टिट्यूएंट, यानी जो कि चेंज हो सकती है सबस्टिट्यूएंट ऐड करने पर, यानी कि जो ये वैल्यू है ना 250 नैनोमीटर, ये चेंज हो सकती है, ये डिपेंड करती है इन एक्स पर। देखो यहाँ पर जो एक्स है इस पर डिपेंड करती है, यहाँ पर अगर एच आ जाएगा तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, यहाँ पर CH3 आ गया तो बनेगा कीटोन, विच इज अटैच्ड विद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अगर मान लो एक्स हमारा आर है, यानी कि यहाँ पर अगर एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, कीटोन होगा। इसके लिए लैम्डा की वैल्यू होती है 250 नैनोमीटर। ठीक है, अगर हमारा एक्स यहाँ पर एच है, यानी कि यहाँ पर एल्डिहाइड बन रहा है, तो उसके लिए लैम्डा की वैल्यू 207 नैनोमीटर होती है। और अगर एक्स यहाँ पर OH है, यानी कि अगर यहाँ पर OH आएगा तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पर अगर OH आता है या फिर OR आता है तो उसके लिए लैम्डा की वैल्यू 193 नैनोमीटर होती है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट रूल है। और अगर ये जो सिस्टम है अल्फा बीटा अनसैचुरेशन, ये अगर 6 मेंबर रिंग में आता है, कुछ इस तरीके से सिस्टम बनता है, तो इसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू 250 नैनोमीटर होती है। और अगर ये सिस्टम हमारे पास 5 मेंबर रिंग में आता है, तो उसके लिए देखो यहाँ पर ये क्या है, यह हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, इसकी ये पोजीशन कौन सी है, अल्फा, ये क्या है, बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है ये, जो कि 5 मेंबर रिंग के अंदर है, तो इसके लिए लैम्डा की वैल्यू होती है 202 नैनोमीटर, 202 नैनोमीटर होती है। और रूल सेकंड क्या कहता है, इसे आप ध्यान से समझना, ये सारे के सारे रूल समझने के बाद हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिसके थ्रू हम आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं लैम्डा मैक्स की वैल्यू। ठीक है, रूल सेकंड क्या कहता है, इफ रिंग रेजिड्यू एंड एल्किल सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट एट, देखो हमने जो डाइइंस पढ़ी थी ना उसके लिए हमारे पास सिंपल था, रिंग रेजिड्यू आते हैं तो रिंग रेजिड्यू या फिर एल्किल सब्स्टिट्यूएंट आते हैं तो हम +5 ऐड करते जाते हैं, लेकिन यहां
पर अब जैसे जैसे पोजीशन बदलती जाएगी, यानी कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये जो पोजीशंस हैं इन पर अगर हमारे पास रिंग रेजिड्यू या फिर एल्किल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो अलग अलग वैल्यू होगी। अल्फा के लिए 10 होगी, अगर अल्फा पर हमारे पास रिंग रेजिड्यू है यानी कि यहाँ पर ये क्या है रिंग रेजिड्यू है तो इसके लिए अल्फा के लिए हमारे पास 10 नैनोमीटर ऐड करेंगे। यानी कि जब हम टोटली कैलकुलेट करेंगे ना लैम्डा मैक्स की वैल्यू तब हम रिंग रेजिड्यू काउंट करते हैं, उसमें डाइंस में क्या करते थे हम रिंग रेजिड्यू काउंट करते थे। हमारे पास अगर 4 रिंग रेजिड्यू हैं तो एक रिंग रेजिड्यू के लिए हमारे पास प्लस 5 ऐड करते थे हम, तो 4 अगर हमारे पास रिंग रेजिड्यू हैं तो टोटल कितने हो गए 20 हो गए। लेकिन इसमें हम ऐसे नहीं करेंगे, इसमें देखो अल्फा पर अगर रिंग रेजिड्यू है तो उसके लिए 10 नैनोमीटर काउंट करते हैं, अगर बीटा पर रिंग रेजिड्यू है बीटा पर यहां पर ये क्या है रिंग रेजिड्यू तो यहां पर हम 12 ऐड करेंगे, और अगर हमारे पास गामा पर या फिर डेल्टा पर हमारे पास रिंग रेजिड्यू है तो उसके लिए हम 18 नैनोमीटर यूज कर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ये देखो गामा पर रिंग रेजिड्यू है तो 18 यूज करेंगे। तो देखो तो इसमें हम किस तरीके से करने वाले हैं वो देखना। यहाँ पर हम पहले तो सिस्टम कौन सा है हमारे पास 6 मेंबर के अंदर अल्फा बीटा अनसैचुरेशन आ रही है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 215 नैनोमीटर ऐड करेंगे। देखो 215 ठीक है ये कर लिया। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे इसके बाद रिंग रेजिड्यू और एल्किल सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे। तो देखो यहाँ पर अल्फा पर क्या है एक रिंग रेजिड्यू तो क्या करेंगे 10 ऐड करेंगे 10 ठीक है। बीटा पर भी एक रिंग रेजिड्यू है तो क्या करेंगे 12 ऐड करेंगे ठीक है। इसके बाद गामा पर नहीं है लेकिन डेल्टा पर हमारे पास रिंग रेजिड्यू है तो 18 काउंट करेंगे ठीक है ये काउंट करेंगे। तो ये होगा रिंग रेजिड्यू और एल्किल सब्स्टिट्यूएंट अगर हमारे पास आता है यानी कि अगर यहाँ से देखो यहाँ पर पॉसिबिलिटी तो नहीं है लेकिन अगर यहाँ पर R ग्रुप या फिर R एल्किल ग्रुप होता तो अगर यहाँ पर एल्किल ग्रुप होता तो हम क्या करते 10 ऐड करते, अगर यहाँ पर होता तो 12 ऐड करते, यहाँ पर होते या यहाँ पर होता तो 18 ऐड करते। तो हमारे पास एल्किल ग्रुप या फिर हमारे पास जो रिंग रेजिड्यू है वो अलग अलग पोजीशंस पर उसकी वैल्यू हम अलग अलग ऐड करते जाते हैं। तो ठीक है इस तरीके से काउंट करते हैं। अब इसके पास और कुछ भी नहीं है तो हम टोटली काउंट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर एक जो डबल बोंड है ये डबल बोंड एक्सटेंड कर रहा है तो अब भी पूरा काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा केवल सेकंड रूल है, आगे का जो रूल्स हैं वो भी तो लग सकते हैं इसमें। जैसे यहाँ पर देखो ये तो हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेशन हो गया लेकिन ये जो डबल बोंड है ये कोंजुगेशन को बढ़ा रहा है यानी कि कोंजुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है। तो एक डबल बोंड जो कोंजुगेशन को एक्सटेंड करता है तो उसके लिए कितना ऐड करते हैं हम 30 यानी कि अगर हमारे पास एक डबल बोंड ऐसा है जो कोंजुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है तो 30 ऐड करेंगे, 2 आ रहे हैं साइड करेंगे, 3 आ रहे हैं तो हम 90 ऐड करेंगे ठीक है। तो प्रत्येक डबल बोंड जो एक्सटेंड कर रहा है कॉन्जुगेशन को उसके लिए हम 30 नैनोमीटर ऐड करते जाते हैं। इफ एक्सोसाइक्लिक डबल बोंड अ प्रेजेंट देन प्लस 5 ऐड करेंगे ठीक है। अगर हमारे पास किसी भी रिंग में अगर हमारे पास एक्सोसाइक्लिक डबल बोंड प्रेजेंट होते हैं तो हम प्लस 5 ऐड करते हैं। ये तो डाइंस में भी था, ये यहां पर भी है कि प्लस 5 ऐड करेंगे। तो देखो यहां पर अगर इसकी बात करें तो इसके लिए यहाँ पर कोई भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है, ना ही इसके लिए कोई भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। तो इसमें इस कंपाउंड में तो कोई भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है लेकिन देखो यहाँ पर अगर हम देखते हैं यहाँ पर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितना है एक है। कैसे है देखो हमें इस ये जो सिस्टम है इसे तो छेड़ना नहीं है यानी कि ये सिस्टम को भूल जाना है। अब देखो इस रिंग के लिए तो कोई भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है ये इसके अंदर भी है और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हम उसे कहते हैं जो कि अगर हमारे पास रिंग है उस रिंग का जो कार्बन है उसे डायरेक्ट बाहर की तरफ डबल बॉन्ड बना होना चाहिए, अंदर की तरफ नहीं। यानी कि जो रिंग है उसके दो कार्बन डबल बॉन्ड ना बना करके जो एक कार्बन है वो बाहर की तरफ डबल बॉन्ड बनाए उसे हम कहते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो देखो यहां पर इस रिंग के लिए अगर बात करें तो कोई भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है लेकिन इस रिंग के लिए ये जो कार्बन है ये बाहर की तरफ डबल बॉन्ड बना रहा है तो यहां पर एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। लेकिन यहां पर अगर बात करें यहां पर ये भी तो कार्बन बाहर की तरफ डबल बॉन्ड बना रहा है लेकिन इसे हम काउंट नहीं करेंगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड में क्योंकि ये जो कार्बन ये जो बॉन्ड है ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का है जिसे हम काउंट नहीं करते हैं। यानी कि जो हमारा सिस्टम है ना अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का इस सिस्टम को हमें भूल जाना है, ये कोई सिस्टम है ठीक है इसे भूल जाओ। इसके अलावा जो भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है उन्हें हम काउंट करते हैं ठीक है।
फोर्थ रूल की बात करें, फॉर ईच होमो एंगुलर सिस्टम वी एड 39 + 39 नैनोमीटर। यानी कि डाइंस में भी हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो हमारे पास होमो एंगुलर डबल बॉन्ड है, होमो एंगुलर सिस्टम है, तो एक तो हमारा सिस्टम हमारा बेस वैल्यू रखेगा यानी कि 253 नैनोमीटर रखेगा, और दूसरे को दूसरे के लिए हम 39 नैनोमीटर ऐड कर देंगे। वैसे ही यहाँ पर करेंगे, अल्फा बीटा अनसेचुरेशन है, इसके लिए वैल्यू कितनी होगी 215 नैनोमीटर, क्योंकि ये 6 मेंबर में है, 215 नैनोमीटर। और यहाँ पर देखो इस रिंग में हमारे पास जो डबल बॉन्ड जो कि कॉन्जुगेशन में है, ये होमो एंगुलर सिस्टम से बिलोंग करते हैं, तो इसके लिए हम 39 नैनोमीटर ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है। इसकी जब भी वैल्यू निकालेंगे उसके लिए 39 नैनोमीटर ऐड कर देंगे, ठीक है। ये था हमारा फोर्थ रूल। फिफ्थ रूल की अगर बात करें तो फिफ्थ रूल ये कहता है कि अगर हमारे पास कुछ ऐसे एक्सोक्रोम्स जो कि यहाँ पर दिए गए हैं, ये अगर अलग अलग पोजिशन पर जुड़े होते हैं तो उसके लिए हम अलग अलग वैल्यूज ऐड करते जाते हैं। यानी कि अगर हमारा OH अल्फा पोजीशन पर जुड़ा हुआ है तो उसके लिए हम 35 नैनोमीटर ऐड करेंगे, अगर बीटा पर है तो उसके लिए 30 नैनोमीटर ऐड करेंगे, और गामा के लिए हमारे पास वैल्यू नहीं दी गई है, और जो डेल्टा है उस पर जुड़ा हुआ होगा तो 50 नैनोमीटर इसमें हम ऐड करेंगे। तो इसके एग्जांपल्स की बात करेंगे तो देखो यहां पर ये क्या है, यहां पर ये है CO, यहां पर ये अल्फा, ये क्या है बीटा, तो बीटा पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है OH, तो बीटा पोजीशन पर OH, तो इसके लिए हम 30 नैनोमीटर एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। जब भी हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें 30 नैनोमीटर ऐड कर देंगे, ये हमारा फोर्थ रूल कहता है। सिक्स्थ रूल ये है, फॉर ईच डबल बॉन्ड विच एक्सटेंड द कॉन्जुगेशन एट 13 नैनोमीटर। यानी कि अगर हमारे पास कोई ऐसा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है जो कि कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है तो उसके लिए हम 13 नैनोमीटर ऐड करते जाते हैं। तो देखो ये हमारा सिस्टम हो गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, और ये जो डबल बॉन्ड है ये एक डबल बॉन्ड ऐसा है जो कि इस कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है, यानी कि ये बॉन्ड इस तरफ यानी कि कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड करने के लिए यहाँ पर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यहां पर एक डबल बॉन्ड, तो इसके लिए हम 30 नैनोमीटर ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ रूल्स हैं, अब बारी बारी से इनका कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर फर्स्ट रूल ये तो लगा दिया हमने, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड यहां पर कितना है, यहां पर एक भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है, तो 30 यहां पर ऐड कर लिया इसके लिए, ठीक है, कॉन्जुगेशन को ये एक्सटेंड कर रहा है। अगली चीज क्या है, होमो एंगुलर सिस्टम इसमें है नहीं, और फिफ्थ रूल अगर हम इसमें ऐड करें तो यहाँ पर कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो बाकी इसको ऐड कर लेंगे, इसकी जो वैल्यू आएगी टोटल वैल्यू वो इसके लैम्डा मैक्स की वैल्यू आ जाएगी कि इसका जो लैम्डा मैक्स कितना होने वाला है। अगर हम इसकी बात करें तो देखो यहाँ पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड किस में है, 6 मेंबर रिंग में है, तो इसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी 215 नैनोमीटर, ठीक है। अब 215 नैनोमीटर आने के बाद अब हम क्या देखेंगे, रिंग रेजिडू और एल्किल सबस्टिट्यूएंट। तो देखो रिंग रेजिडू देखने के लिए यहां पर अल्फा, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, ये गामा पोजीशन और ये डेल्टा पोजीशन, ठीक है। अब देखो रिंग रेजिडू काउंट करते हैं, एक ये हो गया अब देखो काउंट करते हैं, अल्फा पोजीशन पर एक है तो अल्फा पोजीशन पर 10 नैनोमीटर ऐड करेंगे, बीटा पोजीशन पर भी एक है तो इसके लिए कितना ऐड करेंगे, बीटा के लिए 12, ठीक है। अब गामा पर कितना है, एक है तो इसके लिए गामा पर ऐड करेंगे 18, और डेल्टा पर हमारे पास दो रिंग रेजिड्यू हैं तो हम कितना काउंट करेंगे, 18 × 2, ठीक है, यानी कि दो बार आ रहा है हमारे पास रिंग रेजिड्यू, दो रिंग रेजिड्यू हैं एट डेल्टा पोजीशन पर, तो इतना ऐड करेंगे, ठीक है, यानी कि डबल कर देंगे 18 को, 36 हो जाएगा, तो इसे 36 ऐड करेंगे, 36, ठीक है। तो ये रिंग रेजिड्यू और एल्किल सब्स्टिट्यूएंट इसमें कुछ भी है नहीं, तो रिंग रेजिड्यू और एल्किल सब्स्टिट्यूएंट का काम हो गया, ठीक है। अगली चीज यहाँ पर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितने हैं, तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की अगर हम बात करें इसमें, तो देखो यहाँ पर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इस रिंग के लिए कोई भी नहीं है, इस रिंग के लिए ये एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितना है, एक है, तो यहाँ पर हम 5 ऐड कर देंगे, 5, ठीक है। अब एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी हो गया, होमो एंगुलर सिस्टम इसमें है नहीं क्योंकि यहाँ पर इतना ही है, डबल बॉन्ड एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ठीक है, होमो एंगुलर सिस्टम है नहीं इसमें। आगे बात करते हैं ऐसे ग्रुप की, तो ग्रुप भी इसमें नहीं है। अगली चीज़ एक्सटेंड कॉन्जुगेशन, हाँ एक डबल बॉन्ड है जो कि एक्सटेंड कर रहा है कॉन्जुगेशन को, तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे इसमें 30 और ऐड कर देंगे,
यानी कि इसकी जो टोटल वैल्यू आ जाएगी वो टोटल वैल्यू इसके लैम्डा मैक्स की वैल्यू होगी। यानी कि इस तरीके से यार सिंपल है, इस तरीके से ही हम काउंट करते हैं लैम्डा मैक्स की वैल्यू किसी भी ग्रुप या फिर किसी भी हम मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, अगली चीज इसके अंदर अगर बात करें तो इसमें देखो ये सिस्टम कौन सा है, ये सिस्टम हमारे पास सिक्स मेंबर के लिए है। तो सिक्स मेंबर के लिए है तो अब फटाफट ऐड करते जाते हैं, इसे यहाँ से मिटा देते हैं। इसके लिए देखो यहाँ पर हमारे पास सिस्टम सिक्स मेंबर में है तो 215। ठीक है, आगे बात करते हैं एल्किल रिंग रेजिड्यू और एल्किल सबस्टिट्यूएंट। तो रिंग रेजिड्यू देखते जाओ, यहाँ पर अल्फा बीटा गामा डेल्टा, फिर क्या करेंगे गामा डेल्टा। ठीक है, गामा डेल्टा, ठीक है, इस तरीके से करते हैं। अब देखो यहाँ पर अल्फा पोजीशन पर एक रिंग रेजिड्यू है, तो अल्फा पोजीशन पर एक रिंग रेजिड्यू है तो 10। इसके बाद बीटा पोजीशन पर भी एक रिंग रेजिड्यू है, ठीक है, एक रिंग रेजिड्यू है तो इसके लिए 12 ऐड करेंगे। गामा पर कुछ भी नहीं है, डेल्टा पर एक है यहाँ पर ये, ठीक है, तो इसके लिए 18 ऐड करेंगे, एक है। और फिर गामा पर कुछ भी नहीं है, सॉरी हाँ गामा पर कुछ भी नहीं है, डेल्टा पर कुछ भी नहीं है, गामा पर भी कुछ भी नहीं है और डेल्टा पर यहाँ पर एक है तो इसके लिए 18 ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हो गए एल्किल सबस्टिट्यूएंट और रिंग रेजिड्यू। एल्किल सबस्टिट्यूएंट इसमें एक भी नहीं है। और आगे बढ़ते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देखो इस रिंग के लिए, देखो ये एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो इस रिंग के लिए ये यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसके लिए ये तो है ही नहीं, ठीक है, इसके लिए ये नहीं है क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड आ गया। तो यहाँ पर इस रिंग के लिए ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर +5 ऐड करेंगे। ठीक है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड और यहाँ पर ऐसा कुछ भी ग्रुप नहीं दिया हुआ है तो कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। और रूल 6 क्या कहता है, डबल बॉन्ड एक्सटेंड द कॉन्जुगेशन। यहाँ पर कितने डबल बॉन्ड हैं जो कि एक्सटेंड कर रहे हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तीन डबल बॉन्ड ऐसे हैं जो कि हमारे कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहे हैं। तो तीन डबल बॉन्ड के लिए कितने हो गए, 90 नैनोमीटर ऐड कर देंगे। तो ये टोटल जो वैल्यू आएगी वो इसके लैम्डा मैक्स की वैल्यू आएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं इन एग्जांपल्स की। अब इन एग्जांपल्स में हमारे पास कुछ ग्रुप्स जुड़े हुए हैं जिससे हम कैलकुलेट करके बताएंगे कि इनके लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी होने वाली है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं इसके लिए। तो देखो यहां पर ये क्या है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अल्फा बीटा ये को सिस्टम कौन सा है, ये सिक्स मेंबर में है तो यहाँ पर 215 नैनोमीटर। ठीक है, 215 में अब हम बात करेंगे रिंग रेजिड्यू और एल्किल सबस्टिट्यूएंट। तो अल्फा पोजीशन पर कुछ भी नहीं है, गामा पोजीशन पर भी कुछ भी नहीं है और डेल्टा पोजीशन पर एक है, और सॉरी गामा पोजीशन पर एक है, डेल्टा पोजीशन पर भी एक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो हैं। ठीक है, तो बीटा पोजीशन पर रिंग रेजिड्यू नहीं है लेकिन गामा पोजीशन पर एक रिंग रेजिड्यू है और डेल्टा पोजीशन पर हमारे पास दो दो रिंग रेजिड्यू हैं। तो रिंग रेजिड्यू गामा और डेल्टा पर हैं। तो देखो यहाँ पर कितना ऐड करेंगे, यहाँ पर 18 किसके लिए, एक इस डेल्टा गामा के लिए ऐड करेंगे और डेल्टा पर दो दो रिंग रेजिड्यू हैं तो यहाँ पर 36 हो गए, 18 18 36 हो गए। ठीक है, ये रिंग रेजिड्यू और एल्किल सबस्टिट्यूएंट हो गए। आगे बात करते हैं हमारे पास एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो इस रिंग के लिए कोई भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है, इसके लिए भी कोई भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है, इसके लिए भी कोई भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है। आगे बात करते हैं फॉर ईच होमोएंगुलर सिस्टम, होमोएंगुलर सिस्टम इसमें नहीं है लेकिन इसमें है, लेकिन ये होमोएंगुलर सिस्टम नहीं काउंट करेंगे क्योंकि यहाँ पर इसे तो आप भूल ही जाओ क्योंकि ये तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। ठीक है, इसे तो भूल जाओ, अगर ये यहाँ पर होता और यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड होता तो हम बात करते हैं, तो होमोएंगुलर सिस्टम नहीं है। आगे बात करते हैं इनकी, तो देखो यहाँ पर OH है, कौन सी पोजीशन पर, बीटा पोजीशन पर, तो यहाँ पर 30 ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। आगे बात करते हैं रूल 6 की, जो कि कहता है कि अगर डबल बॉन्ड जो कि एक्सटेंड कर रहे हैं हमारे कॉन्जुगेशन को तो उसके लिए 30 ऐड करेंगे। तो देखो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है जो कि एक्सटेंड कर रहा है कॉन्जुगेशन को तो यहाँ पर 30 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गए, 30 ऐड कर दिया। ठीक है, अब कंप्लीट हो गया, अब इसे काउंट कर लेना, जितनी भी वैल्यू आएगी वो इस मॉलिक्यूल के लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू आने वाली है। इसके लिए काउंट करते हैं, तो देखो यहां पर हमारे पास वही अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, तो अल्फा बीटा पोजीशन सिक्स मेंबर रिंग में है तो 215 नैनोमीटर। ठीक है, 215 हो गया। और ये कौन सी पोजीशन है, ये है गामा, ये है डेल्टा। अगर हम रिंग रेजिड्यू की बात करें तो अल्फा पर एक है तो इसके लिए 10, बीटा पर भी एक है ये,
ये अल्फा का, ये बीटा का रिंग रेजिड्यू, तो इसके लिए 12। गामा पर कुछ भी नहीं है लेकिन डेल्टा पर एक रिंग रेजिड्यू है तो 18। ठीक है, ये रिंग रेजिड्यू हो गए। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की बात करें, इसके लिए इस रिंग में कुछ भी नहीं है, इसके लिए इस रिंग में भी कुछ भी नहीं है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी नहीं है और होमोएंगुलर सिस्टम भी नहीं है यहाँ पर। और आगे बात करते हैं फिफ्थ रूल की। फिफ्थ रूल में ये कंपाउंड्स दिए गए हैं, तो जहाँ पर हमारे पास डेल्टा पोजिशन पर ओ एम ई है, यानी कि डेल्टा पोजिशन पर ओ एम ई आएगा तो 31 ऐड कर देंगे। ठीक है, 31 नैनोमीटर ऐड कर देंगे। आगे बात करते हैं सिक्स्थ की, तो कॉन्जुगेशन है। देखो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है ये कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है, तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड ऐसा है जो कॉन्जुगेशन को बढ़ा रहा है, तो इसके लिए हम 30 ऐड कर देंगे। तो टोटल जितनी भी वैल्यू आएगी वो इसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू आने वाली है। तो अब बात करते हैं इस कंपाउंड के लिए। तो देखो यहाँ पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम हमारे पास 5 मेंबर रिंग में आया है, तो इसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है 202 नैनोमीटर, तो 202 नैनोमीटर होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं ये क्या है अल्फा पोजीशन, ये क्या है बीटा पोजीशन, ये है गामा और ये है डेल्टा, फिर ये क्या है गामा, ये है डेल्टा। ठीक है, तो देखो अब रिंग रेजिड्यू काउंट करते हैं। अल्फा पोजीशन पर कितना है, एक है, तो यहाँ पर 10 ऐड कर देंगे। बीटा पर कितना है, एक है, यहाँ पर 12 ऐड कर देंगे। गामा पर कितना है, एक है, तो यहाँ पर 18 ऐड कर देंगे। फिर डेल्टा पर एक है तो 18 ऐड कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, इस पर कुछ भी नहीं है, इस पर एक है तो यहाँ पर एक बार और 18 ऐड कर देंगे। ये हो गया हमारे पास रिंग रेजिडू, और यहाँ पर एल्किल सब्स्टिट्यूएंट कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं, रिंग रेजिडू हो गया होमोएंगुलर। आगे बात करते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की। तो देखो यहाँ पर इस रिंग के लिए नहीं है, इस रिंग के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इस रिंग के लिए भी नहीं है, यानी कि यहाँ पर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है। आगे बात करते हैं फिफ्थ रूल की, तो यहाँ पर हाँ कोई भी नहीं है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी, ऐसा कोई भी ऑक्सोक्रोम नहीं जुड़ा हुआ है। तो सिक्स्थ की अगर बात करें तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन में जो एक्सटेंड करेंगे डबल बॉन्ड वो कितने हैं, एक ये है, एक ये है, यानी कि दो हमारे पास ऐसे डबल बॉन्ड हैं जो कि कॉन्जुगेशन को बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर हम 60 ऐड कर देंगे। ठीक है, ये इसकी जो टोटल वैल्यू आएगी वो लैम्डा मैक्स की होगी इस मॉलिक्यूल के लिए वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से सिंपल है यार काउंट करना। तो ये था हमारे पास वुडवर्ड फिशर रूल फॉर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।